खूबसूरत होने वाले हैं और इंटरेस्टिंग माहौल में मैं नहीं चाहता कि आप किसी से भी कम दिखो, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको आउटफिट दिखाई जाए। ऑलराइट, पहले ट्राउजर आई हमारे पास में, ब्रांड का नाम है भाई कैंपस सूत्रा और ये है एक बहुत खूबसूरत ग्रे कलर का ट्राउजर। फर्स्टली अगर वेट की बात करें, बहुत ज्यादा लाइट वेट फील हो रहा है। अगेन पूरा ट्राउजर ग्रे कलर का है और पूरे ही ट्राउजर में आपको व्हाइट कलर के वर्टिकल स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रिप्स बोलना सही नहीं होगा, पतली पतली लाइनिंग्स है। बेल्ट के लिए आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे, नॉर्मल सा आपको जिप देखने को मिलता है और क्लोजर के लिए एक हुक आपको देखने को मिल जाएगा और एक बटन मिलता है। लेकिन बटन को लगाने के लिए एक बहुत बड़ा सा स्ट्रिप लगाया गया है जिसे आप बेल्ट लूप के अंदर से लॉक कर सकते हो एंड ओवरऑल लुक काफी ज्यादा अच्छी आती है। साइड साइड में आपको कट पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है। बैक की तरफ लेफ्ट साइड में आपको एक इनर पॉकेट देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल फिटिंग की भी बात करें ना, काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फिट टाइप का पैंट है। मतलब पहनने में ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल या बोलो हल्का हल्का सा लगता है। एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ है 80% कॉटन एंड 20% पॉलिएस्टर। अब देखो लुक वाइज अगर जज करोगे ना इस पैंट को तो काफी जबरदस्त लुक आ रहा है इसका। मैंने जब ट्राई किया इसे एक मरून पोलो शर्ट के साथ, बहुत अच्छा लग रहा था। आप मल्टीपल वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, लेकिन हाँ मैं इसके फैब्रिक की क्वालिटी को ना एकदम टॉप नॉच नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फैब्रिक में इंप्रूवमेंट्स की जा सकती थी। लेकिन ये छोटी सी प्रॉब्लम को ढक लेती है इसकी प्राइस, क्योंकि ये महज 750 रुपए के आसपास का पैंट है। इसका आपको एक एक्स्ट्रा कलर भी देखने को मिल जाएगा एंड लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट पैंट आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है भाई रोडस्टर और ये एक बहुत खूबसूरत ऑलिव ग्रीन कलर का पैंट है। रोडस्टर का आपको टैग देखने को मिल जाएगा और पैंट को देखते ही साथ में आपको एक ऑथेंटिक सी फीलिंग आने वाली है। ट्राउजर के लिए यहाँ पर आपको प्लास्टिक के बटन देखने को मिल जाएंगे, नॉर्मल सा आपको जिप देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है, ऑलिव ग्रीन कलर में है। यहाँ पर आपको फ्रंट में ड्रॉ स्ट्रिंग्स भी देखने को मिल जाएंगे। बैक साइड में यहाँ पर आपको वेस्ट में इलास्टिक भी देखने को मिलता है जहाँ पर इलास्टिक की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है। और यहाँ पर बेल्ट के लिए लूप्स भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब बटन लगा दिया, नाड़ा लगा दिया, इलास्टिक लगा दिया, बेल्ट के लिए लूप दे दिया, मतलब घसकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, पैंट भी और आपका स्टाइल भी। साइड साइड में आपको कट पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है। बैक की तरफ देखोगे तो यहाँ पर दोनों साइड में आपको इनर पॉकेट्स देखने को मिलते हैं, कोई बटन नहीं है तो आपको बैठने में ऐसा कुछ फील नहीं होगा। ऊपर में आपको रोस्टर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एग्जैक्ट अगर फिटिंग या फीलिंग की बात करें तो डेफिनेटली पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो लगते ही है क्योंकि ये 100% कॉटन से बना हुआ है और इसकी फिट भी रिलैक्स या लूज फिट टाइप की आती है, तो एकदम हल्का हल्का एरी सा फील होता है और बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी लगता है। देखो सिंपल सा थॉट जान लो, अगर आपको 2024 में स्टाइलिश दिखना है तो आपको प्रिंटेड अवॉइड करना है। जितना मिनिमल सिंपल कपड़ा पहनोगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल भी फील करोगे और स्टाइलिश भी दिखोगे। और बेस्ट बात यह है कि ये पैंट आपको 850 रुपए के आसपास में मिल जाएगा और इसके आपको 10 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट कैजुअल पैंट आ गया हमारे पास में और ब्रांड का नाम है भाई रेयर रैबिट। रेयर रैबिट का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, इनके टैग्स भी भाई काफी ज्यादा लग्जरी टाइप के लगते हैं, ब्लैक में गोल्ड का जो कलर है एकदम चमक के आता है। और पैंट को खोलते ही साथ आप पहले पैंट नहीं नोटिस करोगे बल्कि नोटिस करोगे इसके फ्रेग्रेंस, क्योंकि ये कमाल का स्मेल करता भाई, एकदम एक्सपेंसिव मॉल के लग्जरी शॉप में कैसे स्मेल आती है भाई। मैंने इसे टेस्ट किया, पहना और जब जब भी यूज कर रहा था ना मैं, एकदम कड़क माल स्मेल करके देख रहा था भाई, क्या मस्त सी स्मेल आ रही है। सूंघ कर पैंट को तो जज कर नहीं सकते। तो एग्जैक्ट अगर इसके कलर की बात करें, ऐसे ब्रांड तो इसे पिंक बोलती है लेकिन भाई एकदम ही डिफरेंट टाइप का, थोड़ा सा डीप लैवेंडर लेस सैचुरेटेड टाइप का कलर है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है। क्लोजर के लिए यहाँ पर आपको नॉर्मल सा बटन देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल सा आपको वाइकिकी का जिप देखने को मिलता है, साइड में आपको कट पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है, बेल्ट के लिए आपको लूप्स देखने को मिलेंगे और बैक की तरफ में आपको दोनों साइड में इनर पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे विद द बटन। अंदर में आपको एक एक्स्ट्रा बटन भी देखने को मिल जाता है और इनर लाइनिंग की भी जो डिटेलिंग्स आप देखोगे ना आपको काफी ज्यादा इंप्रेस करेगी। अंदर में आपको रेयर रैबिट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और एग्जैक्ट अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ 68% कॉटन, 28% पॉलिएस्टर एंड 4% लाइक्रा। देखो ये नंबर्स को भूल जाओ, एग्जैक्ट अगर फैब्रिक की बात करें ना, बहुत ज्यादा लाइट वेट, बहुत ज्यादा एयरी एंड कंफर्टेबल आपको फील होगा। लिटरली सच बताओ, पहनने के बाद ऐसा फील होता है कि हाँ ऐसे ही पैंट रिच लोग पहनते होंगे। एग्जैक्ट अगर फिटिंग की बात करें तो ये एक रेगुलर फिट के साथ आता है, तो बहुत ज्यादा आपको एकदम चिपका सा भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं लगेगा, एक परफेक्ट कैजुअल ट्राउजर आप इसे बोल सकते हो। प्राइस इसकी ब्रांड आस्क कर रही है 1800 रुपए के आसपास एंड भूल जाओ ब्रांड, अगर आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए किसी पैंट के साथ आप डेफिनेटली इस पैंट के लिए जा सकते हो। इस पैंट को मैंने इसी शर्ट के साथ स्टाइल किया था, ये महज 600 रुपए का शर्ट है अमेजोन का, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके आपको एक्स्ट्रा दो कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पैंट आता है हमारा हावर्ड्स
के तरफ से और ब्रांड का नाम तो मैंने आपको बता दिया, कलर है ये ब्लैक। और डेफिनेटली कैजुअल पैंट्स की वीडियो बने और कार्गो पैंट ऐड ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम कार्गो पैंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे क्योंकि हम लाते हैं। हावर्ड्स का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, क्लोजर के लिए आपको बटन देखने को मिल जाएंगे, मेटल के यहाँ पर आपको जिप मिलता है, बेल्ट के आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे, साइड चार्ट में आपको कट पॉकेट्स देखने को मिलते हैं और इनर लाइनिंग जो है ना वो पूरी कॉटन की है। ऑब्वियसली कार्गो पैंट्स है तो थाइस के पास में आपको दो बड़े बड़े बॉक्सी पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, इसके ऊपर में आपको फ्लैप मिलता है, बैक की तरफ में आपको दो इनर पॉकेट्स देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर भी आपको फ्लैप मिलता है। एंड एग्जैक्ट अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, यहाँ पर यूज हुआ है 98% कॉटन एंड 2% इलास्टीन, जिसकी वजह से ये हल्का एकदम माइनर सा स्ट्रेच होता है। हावर्ड्स के पैंट को हमने हाल में ही डिस्कवर किया था और पता चला कि एक्चुअल हावर्ड यूनिवर्सिटी के मर्चेंडाइज है, एकदम तगड़ी चीज आप खरीद रहे हो। महज 1000 रुपए के आसपास का पैंट है, मैंने इसे एक सिंपल ब्राउन टी शर्ट के साथ पेयर किया था और कितना ज्यादा खूबसूरत एंड रिच लुक आ रहा था। अगेन स्टाइलिश दिखना है, सिंपल सॉलिड पैंट हो, इट्स अ मस्ट हैव कार्गो पैंट क्योंकि इसकी प्राइस भी 1000 रुपए के आसपास की है। ऑलराइट, नेक्स्ट कैजुअल पैंट आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है हेयर एंड नाउ, अगेन एक वेरी पॉपुलर कलर इन 2024। नाउ का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, क्लोजर के लिए आपको प्लास्टिक के बटन देखने को मिल जाएंगे, वाइकिंग का आपको जिप मिलता है, साइड में आपको कट पॉकेट मिलते हैं, डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है, बेल्ट के आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे, बैक की तरफ में आपको दो इनर पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे और ऊपर में आपको हेयर एंड नाउ का एक छोटा सा पैच देखने को मिलता है। फर्स्टली अगर कॉम्पोजिशन देखोगे तो यहाँ पर यूज हुआ है 98% कॉटन एंड 2% इलास्टीन, एग्जैक्ट हावर्ड्स की तरह, लेकिन इसकी जो स्ट्रेच है ना वो हावर्ड से काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही इसके पूरे फैब्रिक में आपको लिनन जैसे ना टेक्सचर्स देखने को मिलेंगे। रेगुलर फिट वाला पैंट है, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। प्राइस है इसकी 1100 रुपए के आसपास की एंड डेफिनेटली ये भी एक मस्ट हैव पैंट है। हाल में हमने फॉर्मल पैंट्स के ऊपर वीडियो की, फॉर्मल शर्ट्स के ऊपर वीडियो की, कार्गोस के ऊपर वीडियो की, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेस्ट बना पाए। हम टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे डील्स को शेयर करते हैं आपके लिए, वहां पर भी जाके जरूर से फॉलो कर लेना क्योंकि अभी बहुत सारी सेल्स आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट कैजुअल पैंट आता है हमारा बेवकूफ के तरफ से एंड यस, ये है एक बहुत खूबसूरत सा ग्रे कलर का कॉर्डर फैब्रिक से बना हुआ कैजुअल पैंट। क्लोजर के लिए यहां पर आपको प्लास्टिक के बटन देखने को मिलते हैं, मेटल का आपको जिप देखने को मिल जाएगा, साइड में आपको कट पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है, बेल्ट के लिए आपको लूप मिलते हैं, बैक में आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में एक चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे कि प्लीट्स डिजाइन किए गए हैं। क्लोजली अगर देखोगे तो कॉर्डर फैब्रिक की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत चीप वाले भी आते हैं। यूजुअली कॉर्डर फैब्रिक कॉटन से ही बनते हैं और यहां पर भी 100% कॉटन यूज हुआ है, लेकिन मेड इन बांग्लादेश भाई। बाकी एग्जैक्ट फिटिंग कैसी आ रही है, ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, आप अपने हिसाब से सारी चीजों को अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हो। हमेशा याद रखो, फैशन इज ऑल अबाउट फ्रीडम, आप जैसा चाहो वैसा अपने हिसाब से पहन सकते हो। क्योंकि ये ग्रे कलर का बॉटम है, आप किसी भी टॉप वेयर के साथ इसे मर्ज करोगे ना, डेफिनेटली लुक अच्छा ही आएगा। एंड प्राइस इसकी भी 1100 रुपए के आसपास की है, हम बजट का बहुत ध्यान रखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा पैंट अगेन आता है रोडस्टर की तरफ से और ये एक बहुत खूबसूरत मस्टर्ड कलर का पैंट है। क्लोजर के यहाँ पर आपको अगेन बटन देखने को मिल जाएंगे, स्टिचिंग्स की काफी अच्छी आपको इसमें डिटेलिंग देखने को मिलेगी, मेटल का आपको जिप मिलता है, साइड में आपको कट पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर डेप्थ अच्छी है, बेल्ट के लिए आपको लूप मिलते हैं, बैक की तरफ किसी जींस की तरह यहाँ पर आपको रोडस्टर की ब्रांडिंग मिलेगी और बैक में आपको दो पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे आउटर साइड वाले हैं। ओवरऑल ये एक बहुत खूबसूरत सॉलिड रेगुलर फिट के साथ आने वाला कॉटन का पैंट है। एग्जैक्ट यहाँ पर कॉम्पोजिशन 100% कॉटन ही दिया हुआ है, हल्का सा भी ये पैंट स्ट्रेच नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट मी कंफर्ट के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अगेन फिटिंग की भी अगर बात करूं तो स्लिम फिट चिपके पैंट अवॉइड करो, बहुत ज्यादा बैगी नहीं पहन सकते तो एक रेगुलर फिट रिलैक्स्ड फिट के लिए ट्राई करो, वो आप पे ज्यादा बेटर लगेगा, लेकिन हाँ चिपका बिल्कुल नहीं पहनना है। ओवरऑल इसे पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, एंड कैन यू बिलीव कि ये महज 700 रुपए के आसपास का पैंट है। जब हमने कर रहा था अभी भी प्राइस इसकी इतनी है, लेकिन फ्यूचर में अगर प्राइस फ्लक्चुएट करे ये सेलर कंट्रोल करते हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होता है, तो डोंट ब्लेम अस। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा ब्रांड एक एक्सपेरिमेंट ब्रांड है, इससे पहले हमने इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स कभी ट्राई नहीं किए थे। ब्रांड का नाम है डेनिसन, एक नेवी ब्लू कलर का बहुत खूबसूरत सा कैजुअल पैंट। 2-3 वीडियो में मैंने बोल ही दिया कि नेवी ब्लू इट्स अ मस्ट हैव कलर। डेनिसन का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, क्लोजर के लिए यहां पर आपको प्लास्टिक के बटन देखने को मिलते हैं, नॉर्मल सा आपको जिप देखने को मिल जाएगा, साइड में आपको कट पॉकेट्स मिलेंगे, हालांकि पॉकेट की जो ओपनिंग है ना वो थोड़ी सी मुझे छोटी लगी, एकदम थोड़ी सी, लेकिन
लेकिन अच्छी चीज क्या लगी कि इसके बॉर्डर में ना आपको हल्की सी लाइन सी डिटेलिंग देखने को मिलेगी। बैक की तरफ में आपको दो इनर पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे विद द बटन और ऊपर में ड्राइंग इनकी मिल जाएगी। बेल्ट के लिए आपको लूप्स देखने को मिलते हैं और एग्जैक्ट अगर इसके फैब्रिक की बात करें ब्रांड यहां पर इन्फॉर्मेशन हाइड करती है और मेरी यही एक्सपेक्टेशन भी थी क्योंकि आजकल जितने भी मिड बजट ब्रांड्स है ना वो ये काम करने लग गए हैं। हालांकि अगर ट्राउजर के मटेरियल को देखोगे ना तो काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल मैं ऐसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ मोर लाइक अ फॉर्मल पैंट या कभी आपने ब्लेजर या सूट का पैंट पहना होगा वहां पर कैसे फैब्रिक्स होते हैं वैसा फैब्रिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेची काफी ज्यादा अच्छा है और ये एक लूज फिट ट्राउजर है तो एक सिंपल वर्ड में समझो तो आप इसे एक कोरियन पैंट के बराबर समझ सकते हो, लेकिन हाँ एग्जैक्ट कोरियन पैंट नहीं है। लेकिन अगर आपको लूज फिट ट्राउजर चाहिए डेफिनेटली इट्स अ मस्ट हैव थिंग। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, इससे आपको ज्यादा बेटर अंदाजा मिलेगा कि ये एक्चुअल में कैसा लग रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाए अपने वीडियोस के थ्रू और इतने सारे एफर्ट्स के लिए बस इतना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, वीडियोस को शेयर करिए। ऑलराइट नेक्स्ट इज द लास्ट पैंट आ गया हमारे पास में और एक चीज आप फेयरली नोटिस करोगे कि इसकी वजन कुछ ज्यादा ही है। ब्रांड का नाम है हेयर एंड ऑल और ये एक रस्ट ऑरेंज कलर का पैंट है। हो भाई साहब, फर्स्टली हमारे आपको बहुत बड़ा सा आपको बटन देखने को मिलता है प्लास्टिक का, बहुत बड़ा सा आपको मेटल का जिप भी देखने को मिलेगा और मेरी लाइफ का सबसे चौड़ा यहाँ पर आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगा किसी पैंट में। लिटरली भाई इलास्टिक की साइजिंग काफी ज्यादा चौड़ी है। साइड साइड में आपको स्ट्रेट कट पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर डेप्थ काफी ज्यादा अच्छी है, बड़ी है। और बैक में आपको दो इनर पॉकेट देखने को मिल जाएंगे। हेयर एंड नाउ का आपको पैच देखने को मिल जाएगा, सारे पैंट में इनके पैच यहीं पर होते हैं तो ये उतना दिमाग नहीं लगाते डिजाइनिंग के मामले में। हालांकि अगर एग्जैक्ट फैब्रिक की बात करें ना ये फैब्रिक काफी ज्यादा मोटा हेवी सा फील हो रहा है। इसकी निटिंग या वेविंग ना आप इसमें क्लियरली देख सकते हो, 100% कॉटन यहाँ पर यूज हुआ और ब्रांड इसे बोलती है स्ट्रेट फिट पैंट। ये स्ट्रेट फिट तो है ही लेकिन इसे लूज फिट या बैगी बोलना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि जब हमने पहनकर देखा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बहुत ज्यादा कूल सी वाइब आ रही थी। लेकिन हाँ ये फेस्टिवल में पहनने के लिए पैंट नहीं है, इट्स मोर लाइक अ डे कैजुअल पैंट। वाइब काफी ज्यादा अच्छी और पॉजिटिव आती है एंड अगेन प्राइस आपको हिला देगी क्योंकि इसकी प्राइस महज 700 रुपए है और इतने हैवी फैब्रिक के साथ पैंट अगर 700 रुपए में मिले ना तो दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई इनकी एक्चुअल प्राइस क्या होती होगी, प्लेटफॉर्म का कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उनका मुनाफा और फिर हमें मिल रहा है तो क्या ये 200-300 में बन जाते हैं। ये सारी बातें होती रहेंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव अमेजिंग वीडियो अच्छी लगी है बवाल मचाते रहिए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद।